वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि शाला दर्पण पर वर्ष 19-20 की यूसी अगर अपन जनरेट करते हैं तो यहाँ पर इस टाइप से एरर मैसेज बताता है, यू कैन नॉट अपलोड यूसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 बिफोर रिसीविंग ऑल अमाउंट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। आखिर ऐसा एरर मैसेज क्यों बताता है, ये अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। जबकि अगर इसको रीसेट करके अपन देखेंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग 18-19 की जो यूसी है वो यहाँ पर वेरीफाइड बाय सीबीओ, यहाँ पर सीबीओ द्वारा वेरीफाइड हो चुकी है। अब इसमें जो यूसी पहले वित्तीय वर्ष की अगर अपन जनरेट करते हैं और सीबीओ द्वारा वेरीफाइड होने के बाद अगर नेक्स्ट यूसी अपन जनरेट करते हैं नेक्स्ट ईयर की तो वो हो जाती है। बट यहाँ पर 19-20 की यूसी, जैसे 17-18 की यूसी को अपन देखते हैं, वर्ष 17-18 की यूसी यहाँ पर वेरीफाइड हो गई है और अगर 18-19 की जनरेट करते हैं, ये आपने भी प्रोसेस करके देखा होगा, तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ये 18-19 की भी जनरेट होगी, लेकिन वो भी यहाँ पर सीबीओ द्वारा वेरीफाइड होगी। अपन करना चाहते हैं यहाँ पर 19-20 की, फाइनेंशियल ईयर 19-20, ये यूसी जनरेट नहीं होगी। यहाँ पर एरर मैसेज बता रहा है, यू कैन नॉट अपलोड यूसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 बिफोर रिसीविंग ऑल द अमाउंट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। इसका कारण मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि स्कूल की टैब में आप देखेंगे यहाँ पर ज्ञान संकल्प पोर्टल, और ज्ञान संकल्प पोर्टल में वर्ष 19-20 में कुछ राशि जमा हुई होगी, उस राशि को यहाँ पर कन्फर्म करना होता है, उस राशि को यहाँ पर कन्फर्म करना होता है। ये ऑप्शन है रिसीव्ड स्कूल कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ऑल वित्तीय वर्ष, जैसे अपन यहाँ पर 4-5 वित्तीय वर्ष दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल ईयर ऑलरेडी सेलेक्ट है अपन, और मंथ, ऑल मंथ ऑलरेडी सेलेक्ट है, अपन को केवल गो करना है। अब यहाँ पर उन वर्षों में जो पैसा प्राप्त हुआ है, जैसे यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि वर्ष 19-20 में यहाँ पर एक तो 100 रुपये का अमाउंट प्राप्त हुआ है वो 12 मार्च 2019 को, और यहाँ पर एक 500 रुपये का अमाउंट प्राप्त हुआ है वो बैच आईडी ये रही उनकी दोनों की, और वो 13 जनवरी 2020 को। यहाँ पर आप इसको जैसे ही कन्फर्म कर लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन रिसीव डेट यहाँ पर डाल देते हैं, कौन सी तारीख को प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर डेट यहाँ पर बताई हुई, 3/12/2019 और 13 जनवरी 2020। अब इसको केवल अपन को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर डेट सबमिट करना चाहेंगे तो वो भी, तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3/12/2019 सेलेक्ट आफ्टर ये सेव हो गया, स्कूल रिसीव डोनेशन अमाउंट सक्सेसफुली, अब ये सेव हो गया। अब इस डेट को भी अपन इसी तरह से 13 जनवरी 2020 है, तो यहाँ पर इस अमाउंट को वेरिफिकेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, कि आपकी स्कूल को जो अमाउंट प्राप्त हुआ है किसी ने डोनेट किया है, किसी भामाशाह ने डोनेट किया है या आपने डोनेट किया है, तो उसको केवल उस तारीख में लेना है, आपको वेरीफाई करना है, उसके जस्ट बाद वो यूसी जनरेट हो जाएगी, इसको सेव कर लेना है। ट्रांजेक्शन डिटेल, स्कूल रिसीव डिटेल, अमाउंट सेव सक्सेसफुली। अब आप ज्ञान संकल्प पोर्टल में यूसी जनरेट करेंगे तो जीपीएस अमाउंट यूसी जनरेट तो वो हो जाएगी। अब यहाँ पर 19-20 की यूसी जनरेट करनी है तो जस्ट मिनट हो जाएगी, ये यूसी यहाँ पर जनरेट हो गई। अब इसको यहाँ पर से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करना है। अब मैं इसको अपलोड आपको मोबाइल से करके बता देता हूँ, यहाँ पर मोबाइल से भी आप अपनी शाला दर्पण पर ज्ञान संकल्प पोर्टल में यूसी अपलोड आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल ओपन किया, ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पर 19-20 की यूसी को जनरेट किया, जनरेट यहाँ पर भी होगी, अपने यहाँ पर कंप्यूटर में भी इसको ओपन किया है तो वहाँ पर भी हो गई थी, ये यहाँ पर भी यूसी ओपन हो गई है। यहाँ से इसका प्रिंट अपन ने ले लिया, हालांकि मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया था इसका, ये यूसी आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की। यहाँ पर ये यूसी अपलोड करवाने वाले मेरे फास्ट फ्रेंड हैं, यहाँ पर उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया था अभी 4:51 पर कि 19-20 की यूसी अपलोड करने का कष्ट करें। अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि इस राशि का उन्होंने वेरिफिकेशन किया था,
तो वो उन्होंने गलत किया था। तो मैंने उनको यहाँ पर मैसेज भी रिफ्लेक्ट किया था कि ऐसे यूसी जनरेट नहीं होती, मतलब राशि वेरिफिकेशन उन्होंने सही नहीं किया था, इसलिए उनसे यूसी जनरेट नहीं हो रही थी। फिर जब मैंने उनका प्रोसेस कंप्लीट किया तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया, रिप्ले मैसेज, कि इसीलिए तो आपको याद करते हैं, अब अपन को इस यूसी को अपलोड भी करना है। आप पहले तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर ले लेंगे, यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल आपका डेस्कटॉप मोड पर हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड पर होते ही यहाँ पर यूसी आपको दोबारा से अपलोडिंग प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब दिखाई दे रहा है, मैं आप इसको जूम कर देता हूँ। अब इस यूसी को यहाँ पर अपलोड करना है अपन को, तो यहाँ से ये अपलोड का ऑप्शन है, इसको अपन कर लेंगे क्लिक, तो ये अपन को ले जाएगा अपनी यूसी कहाँ पड़ी है, फाइल में पड़ी है। जैसे मैंने अभी डाउनलोड भी की थी, डाउनलोड करने के बाद में साइन सिग्नेचर भी हुए, और साइन सिग्नेचर करने के बाद में फाइल मैनेजर में इसका PDF यानी कि 250 KB की PDF बनती है, वो PDF मैंने मेरे फ्रेंड के नाम से ही बना ली है। तो यहाँ पर ये रही वो यूसी, मैंने मेरे फ्रेंड के नाम से ही बनाया, फ्रेंड यूसी 2019-20। इसको अपन यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे छोटा सा एक ओके बटन दिख रहा होगा आपको, उसको ओके कर लिया। अब यहाँ पर इसको अपलोड, या यूसी सेलेक्ट हो गई है, अब यहाँ पर अपन कर लेते हैं इसको अपलोड बटन पर क्लिक, तो ये यहाँ पर यूसी अपलोड होगी। यहाँ पर मैसेज दे दिया इसने, ये मैं जूम करके भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यूसी हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। और अब ये कह रहा है कि यहाँ पर फॉरवर्ड टू CBO, क्या कह रहा है यहाँ पर फॉरवर्ड टू CBO, तो इसको अपन फॉरवर्ड टू CBO कर देते हैं, तो ये अपना काम 100% हो गया। अब यहाँ पर फाइल अपलोडेड पेंडिंग टू CBO, यानी कि अपना 19-20 की यूसी थी वो जनरेट भी अपन ने की, जनरेट करने के बाद में उसको अपलोड भी की। अब इसमें आपने देखा कि ये जो एरर मैसेज बता रहा था कि 19-20 की यूसी आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि अपन को जो डोनेट अमाउंट था भामाशाह द्वारा था या किसी और के द्वारा था या अपने स्कूल के किसी टीचर ने किया था, बट उस अमाउंट को वेरीफाई करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 19-20 में ये अमाउंट हो, वो आपके 17-18 या 18-19 वाली यूसी में भी हो सकता है। तो ये था दोस्तों ज्ञान संकल्प पोर्टल पर यूसी जनरेट करके अपलोड करने का सिस्टम। यहाँ पर मेरे साथी की तरफ से धन्यवाद भी आ गया कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर जो यूसी उनसे जनरेट ही नहीं हो रही थी, तो उस यूसी को मैंने जनरेट करके फिर अपलोड भी कर दिया। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।